अस्सलाम वालेकुम। पाठ 6 पाप के 4 हथियार, जो कि कक्षा 12वीं के लिए हिंदी की युवक भारती से लिया गया है। पाप के 4 के 4 हथियार, आइए सबसे पहले हम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर लेखक का जीवन परिचय देखते हैं। आप देखोगे तो जो प्रभाकर जी थे, हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया और आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। साथ ही में आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का भी प्रयास किया है। इनका जन्म स्थान देखते हैं कि जन्म स्थान में आप में देखोगे कि 21 मई 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। स्थान सहारनपुर जनपद के देवबंद नामक कस्बे में हुआ था। उपनाम इनका प्रभाकर जी। मृत्यु 9 मई 1995 ईस्वी। पिता का नाम श्री रमादत्त मिश्र, माता का नाम श्रीमती मिश्री देवी, पत्नी का नाम प्रभा देवी। शिक्षा उन्होंने जो प्राप्त की वह संस्कृत भाषा से ही अध्ययन किया। कार्यरत देवकर विद्यालय में अध्यापक के रूप में वह नियुक्त हुए। भाषा का ज्ञान हिंदी के साथ साथ इन्हें संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का अच्छा खासा ज्ञान था। इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि रेखा चित्र में देखेंगे आप कि नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, ये इनके जो थे रेखाचित्र थे। लघु कथा में आकाश के तारे, धरती का पुष्प, ये इनकी लघु कथाएं थी। संस्मरण में दीप जले शंख बाजे और ललित निबंध में क्षण बोले और कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू, ये इनके ललित निबंध थे। प्रभाकर जी के निबंध में मुहावरों और लोकोक्तियों, अलंकार काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है। इन जो इनको सम्मानित किया गया है, पद्मश्री से भी वह सम्मानित हुए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके विधा परिचय। विधा परिचय में निबंध का अर्थ है, सबसे पहले तो हम देखेंगे निबंध। निबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, नी प्लस बंध। नी मतलब सुंदर शब्द, विचार, और बंध है क्या है, बांधना। तो सुंदर शब्दों या विचारों को क्या करना, एक सूत्र में, भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। तो आइए देखते हैं, निबंध का अर्थ है विचारों की भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य को की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है। सबसे बड़ी बात है कि निबंध में सबसे ज़्यादा महत्व किसका था, विचारों का, अच्छे विचारों का, जो कि पाठकों तक पहुँचाया जा सके तथा विषय को परखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की क्या है, सामर्थ्य होती है। कहने का तात्पर्य है कि अपने विचारों को भाषा के माध्यम से सुव्यवस्थित जो है प्रस्तुत करना, यानी आपके जो विचार है उसे बिना डरे बेपाक तरीके से पाठक गण तक उनके समक्ष पहुंचाने की सामर्थ्य लेखकों को होता है। आइए नेक्स्ट पाठ परिचय देखेंगे। आज हम पढ़ने क्या है कि प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संत महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्म से मानव जातियों को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना आई। कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बन जाता है। समाज संतों,
महापुरुषों की जयंतियां तो मनाता है, जय जयकार भी करता है, उनके स्मारकों का निर्माण भी करता है, स्मारक मूर्तियों का भी निर्माण करता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक पूछते कि ऐसा क्यों होता है कि प्रत्येक युग में समाज को सुधारने के लिए बहुत से लोग जो है समाज सुधारक के आगे बढ़ते हैं, महापुरुष होते हैं, फिर उनसे कि उनके जो अपराध है समाज में वो कम हो जाए, पर वैसे के वैसे ही पाते हैं। लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। लेखक जो कन्हैया लाल जी के निबंध जो है वो दो शैली में पाए जाते हैं, एक सामाजिक शैली और दूसरी जो है वो है राजनीतिक शैली। तो आज हम जो ये पाठ है वह सामाजिक शैली पर आधारित है। आइए देखते हैं, अभी हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ये परिच्छेद है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा। लेखक कन्हैया लाल जी कह रहे हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन थे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक लेखक थे, महान नाटककार, महान जो थे कुशल राजनीतिक और समीक्षक रह चुके हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ। आपको साहित्य का नोबल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। लेखक कहते हैं उनकी द्वारा लिखे गए पैराग्राफ को उन्होंने पढ़ा और कहा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, वह उनके संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने के लिए इसलिए बच जाता हूँ, कोड़े खाना मार खाने से बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझ कर उड़ा देते, दिल लगी मजाक करके उड़ा देते हैं। बात यूं हो कि मेरे एक शब्द पर भी वह गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा उठे, ढांचा आधारशिला बेस। यहाँ पर जब लेखक कन्हैया लाल जी ने बर्नार्ड शॉ को पढ़ा, उनका पैराग्राफ पढ़ा, तो उनके द्वारा ये लिखा गया था कि अगर मेरी भाषा या मेरे विचारों को अगर समझा जाए तो शायद समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, पर लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए मैं खुली सड़क पर मार खाने से क्या हो जाता, लोगों को मेरी बात मजाक ही लगती है, सीरियस में उन्होंने कभी मुझे नहीं लिया, या मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा, यदि उन्होंने मुझे जरा भी समझा तो क्या होगा कि समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, समाज की यहाँ तक कि समाज की जो आधारशिला ही क्या हो सकती है, हिल सकती है, पर लोग मुझे ध्यान नहीं देते, मेरी बात को समझ नहीं पाते। वे कहते हैं कि वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, यदि मुझ पर हंसे नहीं, मेरी मानसिक और नैतिक महत्वता लोगों के लिए असहनीय है, उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज मतलब ढेर लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे, इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है, यह कहकर हम शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, यहाँ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरी बातों को सुन नहीं सकते, यदि मुझ पर हंसे तो उनके विचारों पर, उनकी मानसिकता पर यह सोचना मेरे लिए ऐसा असहनीय हो जाता है क्योंकि उनके उबाने वाली जो विचारधाराएं हैं उसके ढेर जो कि उनके गले के नीचे कैसे उतरता है कि सत्य को देखकर वह नकार देते हैं, सत्य को भी झुठला देते हैं। आज समाज में जो चल रहा है वे कहते हैं कि सच्चाई को भी जानकर भी अपने कानों पर क्या कर लेते, उंगलियां रख देते। यहाँ तक कि कई समाज सुधारक आए, उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, बड़े बड़े
नेताओं ने, बड़े बड़े तीर्थकरों ने, परंतु आज हमारा समाज वैसे की वैसे ही है। कितनी गलतियां हो रही है, कितनी त्रुटियां हैं, फिर भी कानों पे उंगलियां रख लेते, कानों पे हाथ रख लेते हैं, मेरी बात को कोई सीरियस नहीं लेता। यदि ये सारी मेरी बातों को यदि सीरियस ले तो क्या होगा, आज हो सकता हमारा समाज का ढांचा ही बदल जाए। यह देखकर कन्हैया लाल जी कहते हैं कि शाह जी ने जो कहा है वह एकदम महत्वपूर्ण सच है, एकदम उसमें सच्चाई है, जिसे नकारा नहीं जा सकता, जिसे माना नहीं किया जा सकता। इनका मानना सत्य है कि लोगों की तो अब भी आदत ही हो गई है, लोगों को तो अब आदत ही हो गई कि अपने सामने अत्याचार होते देखकर भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उन्हें अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यही तक हम आज पढ़ेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट भाग में मैं आपको आगे का पार्ट कंप्लीट कराऊंगी। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।